नमस्कार, एससी न्यूज की खास बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारतीय गृह मंत्रालय जारी करेगा नई गाइडलाइंस, कुछ जिलों को 5 मई से लॉकडाउन में मिल सकती है ढील। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कोविड-19 लॉकडाउन को बढ़ाने का दिया संकेत। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर देखने को मिली अजीबोगरीब स्थिति, दिल्ली वाले ना पार कर सके बॉर्डर, इसलिए हरियाणा में सीमा पर खोद डाली सड़क। उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार में भी 5 कक्षाओं के 75 लाख बच्चों की दूरदर्शन से होगी पढ़ाई। वाराणसी में दरोगा समेत 6 पुलिसकर्मी पाए गए कोरोना पॉजिटिव, दवा कंपनी से जुड़ा एक कर्मचारी भी आया वायरस की चपेट में। कामगारों से सीएम योगी की भावुक अपील, सब्र रखें हम आपको घर पहुंचाएंगे। चंडीगढ़ से यूपी 9 दिन में 900 किलोमीटर चले मजदूर, 3 दिन से नहीं मिला था खाना। लॉकडाउन में ग्राहकों की सुविधा के लिए पेटीएम ऐप ने किया बदलाव, जरूरी पेमेंट हो गया आसान, साथ ही कोविड-19 की सही जानकारी भी मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ट्विटर आईडी को अनफॉलो करने के संदर्भ में व्हाइट हाउस का बयान, कहा अमेरिकी राष्ट्रपति किसी देश का दौरा करते हैं तो उस देश के आधिकारिक ट्विटर हैंडल को कुछ दिन के लिए व्हाइट हाउस के द्वारा किया जाता है फॉलो। कोरोना वायरस की इस महामारी में राहत सामग्री के साथ दवाइयां भी बांट रहे हैं संत रामपाल जी के अनुयायी, कहा ऐसा परोपकार करने का मौका हमेशा नहीं मिलेगा। कांग्रेस ने दीपक बाबरिया की जगह पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल वासनिक को बनाया मध्य प्रदेश का कांग्रेस प्रभारी। हवाई सेवा शुरू होने से 10 दिन पहले एयरलाइंस कंपनियों को बताएगी सरकार, विमान मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी का दावा। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 10,000 के पार, अब तक लगभग 459 लोगों की हुई मौत। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 2502 लोगों की मौत, अब तक 60,853 लोग गंवा चुके हैं जान। पंजाब में 17 मई तक बड़ा कर्फ्यू, 35 नए केस पाए गए कोरोना पॉजिटिव। जम्मू और कश्मीर ने लॉकडाउन के कारण प्रभावित लोगों के लिए 350 करोड़ रुपए के राहत पैकेज को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार ने 30 जून तक लगाई मास गैदरिंग पर रोक, सील रहेंगे बॉर्डर, कोरोना वायरस के बढ़ते कहर को देखते हुए दिए गए दिशा निर्देश। भारत के दिग्गज फुटबॉलर और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर चुन्नी गोस्वामी का निधन। दिल्ली के हिंदूराव अस्पताल में कोविड-19 के परीक्षण में एक और नर्स पाई गई कोरोना पॉजिटिव। बनारस में 2 और पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव, संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 60। प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कोरोना संक्रमित मरीज को ठीक करने के दावे हुए धराशायी, मुंबई में प्लाज्मा थेरेपी वाले कोरोना के पहले मरीज की हुई मौत। नोएडा में कोरोना के एक्टिव मामले घटकर हुए 50, पिछले 24 घंटे में सिर्फ एक मामला आया सामने। रूसी प्रधानमंत्री की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव, डिप्टी पीएम को सौंपा गया कामकाज। गूगल ने लॉन्च किया अपना न्यू गूगल मीट ऐप, एक साथ 100 लोग कर सकते हैं मीटिंग। देश और दुनिया की तमाम खबरों में फिलहाल इतना ही, लगातार देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए SCNews.in के साथ।